आशा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे बस उसी की जिसकी पूरी देश चर्चा कर रहा है, सारे मीडिया चैनल चर्चा कर रहे हैं, एनकाउंटर की। विकास दुबे का एनकाउंटर 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया। 24 घंटे पहले उन्होंने सरेंडर किया, 24 घंटे भी बीत नहीं पाए और उनका एनकाउंटर हो गया। और इसे लेके जो जश्न का माहौल बना हुआ है, हम आपसे बात करने जा रहे हैं उसी पर। क्या एनकाउंटर ही अब इस नए भारत का न्याय है? क्या यही एकमात्र रास्ता है जहां लोगों को यह दिलासा दिया जा सके कि न्याय हो रहा है, जस्टिस हैज बीन डन? क्या ये जो एनकाउंटर की प्रवृत्ति है और तुरंत न्याय देने वाली प्रवृत्ति जो कई बार हमें मॉब लिंचिंग में दिखाई देती है, इसमें कोई फर्क है? इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में नेताओं के जरिए, तमाम और लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन इसी तरह के एनकाउंटर को जस्टिफाई करने वाले होंगे। और देखिए किस तरह के कमेंट्स, किस तरह के ट्वीट बॉलीवुड से भी आ रहे हैं। वहां लोगों का कहना है कि अगर यह दृश्य बॉलीवुड में लिखे जाते तो लोग कहते कि वो अपनी रियलिटी या हकीकत से परे है। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और फिर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की कहानियां सच्चाई से दूर हैं। गीतकार स्वनानंद भी ट्वीट करते हैं कि अगर कोई लेखक यह सीन लिख देता तो लोग बोलते कि बहुत ही फिल्मी है। और इस तरह के अनगिनत ट्वीट। सवाल यह नहीं है कि यह फिल्मी है या नॉन फिल्मी है, सवाल सीधा है कि क्या न्याय का पर्याय अब एनकाउंटर होगा? दिखाई ऐसा दे रहा है कि इस समय एनकाउंटर का जो जश्न मनाया जा रहा है और खास तौर से मीडिया में जिस तरह से डिबेट चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों के दिमाग में यह बैठाया जा रहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना ही सही था। कहीं से भी यह सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी और विकास दुबे जिस तरह से पैदा हुए थे, जिस संरक्षण उनको हासिल था 2017 में, जिस तरह से उनका सरेंडर कराया गया था, जिन्होंने उनका सरेंडर कराया था, वे सारे लोग कौन थे? इस एनकाउंटर पर यूं तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो अपनी अपनी चिंताएं जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ही मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मायावती जो बसपा की नेता हैं, इन दोनों ने आपत्ति जताई है और एक तरह से योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि इस एनकाउंटर से जो राज खुलने चाहिए थे वे बंद हो गए। विकास दुबे की गिरफ्तारी से जो राज खुल सकते थे कि वह कौन सा पॉलिटिकल पेट्रोनेज था, वह कैसा रामराज था कानपुर का, जहां पर विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भाग जाता है बाहर, उज्जैन पहुंचता है। ये जो सारे के सारे लिंक हैं, इस पर अब हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया है। और जो कहानी इस समय सत्ता हमें सुनाना चाहती है, चाहे पुलिस सुनाना चाहती है, हम वही सुनेंगे और उसी का ढोल आपके घरों में जो टीवी चैनल चल रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक अलग ढंग की कहानियां आ रही हैं। विपक्षी दलों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत यह है विकास दुबे पनप रहा था इस समय योगी आदित्यनाथ के शासन में। पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो उसे मिली हुई थी वह इन्हीं के शासन में मिली हुई थी। यहां से भाग के मध्य प्रदेश गया, वहां पर भी भाजपा की सरकार है और ऐसे तमाम नाम इस समय सर्कल में चल रहे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम यहां उन नामों पर बात करने नहीं आए हैं, हम बात यह करने आए हैं कि एनकाउंटर को जो जस्टिफाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसे ही एकमात्र रास्ता बताने की कोशिश हो रही है हमारी पत्रकार बिरादरी से, वह बहुत खतरनाक है। और ऐसा पहला एनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी बहुत एनकाउंटर हो चुके। बिल्कुल थोड़ा ही पीछे जाइए,
दिसंबर में 2019 में हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ था, शायद आपको याद हो, एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद आनन फानन में चार लोग पकड़े गए, उनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और आज तक हमें पता नहीं कि वाकई जो असली दोषी थे वे पकड़े गए, न्याय मिला कि नहीं मिला। जिस पुलिस कर्मियों पर वहां पे लोगों में गुस्सा था उनके ऊपर जनता ने फूल बरसाया और कमोबेश यही आलम इस समय उत्तर प्रदेश में है। जो लोग मारे गए थे 8 पुलिसकर्मी, उनके घर वालों को मीडिया अपने स्टूडियो में बुला बुला कर पूछ रहा है उनसे, उनके जख्म को रेंग रहा है और कह रहा है, बुलवाने की कोशिश हो रही है कि यही न्याय था, वरना वह पकड़ा जाता तो न्याय की प्रक्रिया होती, लंबी प्रक्रिया चलती, उसमें वह छूट भी जाता। शायद इस समय यह सोचना और सवाल उठाना बेहद जरूरी है कि 2017 में किस सिस्टम ने उसे जमानत दिलवाई थी, वे कौन लोग थे जो उसे सरेंडर कराने ले गए थे, और ये लोग इस समय सत्ता में हैं, उस समय भी सत्ता में थे। ये सारे सवाल छोड़कर इस समय ऐसा लग रहा है कि एनकाउंटर ही एक विजय जुलूस के तौर पर दिखाया और समझाया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल दूसरा सवाल, अगर विकास दुबे का जो सरेंडर हुआ था वह न्याय प्रक्रिया के तहत उसके साथ सुलूक होता, अगर वह गिरफ्तार हुआ था, उसके केस चलता, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, जो उसके साथियों का पूरा मायाजाल फैला हुआ था, जो गुंडा राज यूपी में योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे चल रहा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत से राज ऐसे खुलते जो बहुत परेशान करने वाले थे? क्योंकि विकास दुबे निश्चित तौर पे यह काम अकेले तो नहीं कर रहा था, अकेले ही तो वो भागा नहीं था, वरना हम जानते हैं कि जब एक साधारण व्यक्ति कोई छोटा मोटा अपराध करता है तो पुलिस उसे कैसे पकड़ती है और उसके साथ कैसा सलूक करती है। सवाल ये है कि इसमें एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी और क्यों एनकाउंटर को ये पूरा का पूरा सिस्टम न्याय के तौर पर पेश कर रहा है? क्या हम इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारत में कोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न्यायपालिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी किसी भी मामले पर कोई सफाई, कोई अंदर से तफ्तीश कुछ नहीं होनी चाहिए, बस जैसे ही अपराधी पकड़ा गया उसे आप शूट कर दीजिए? और यहां मैं ये जोर देके कहना चाहूंगी कि यह जो तुरंत फुरत का न्याय की आदत पड़ गई है लोगों में, इसमें तालिबानी न्याय की गंध आती है, इसमें मॉब लिंचिंग की गंध आती है, कि जैसे ही कुछ लोगों को लगे कि यह व्यक्ति दोषी है, यह आरोपी है, तुरंत उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। फिर क्या हम एक सभ्य समाज रह जाएंगे, एक प्रोसीजर रह जाएगा, एक जो प्रोसेस बना हुआ है देश के संविधान के तहत, जहां पर राज को राज न रहने के बजाय बेपर्दा करना जरूरी है और यह अधिकार न्यायपालिका के पास है? क्या हम चाहते हैं कि एनकाउंटर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर न्यायपालिका और रियल जस्टिस, असली न्याय पर हम ताला लगा दें? ये तमाम सवाल लोकप्रिय सवाल नहीं है और हम ये जोखिम उठाते हैं कि जो सवाल लोकप्रिय नहीं है, जो ट्रेंडी नहीं है, जिस तरह का माहौल या अवधारणा है वो नहीं है, लेकिन तब भी वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं पूरी मजबूती और दिलेरी के साथ, क्योंकि हमारा वादा सच के साथ है, हमारा वादा संविधान के साथ है, न्याय के साथ है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए खोज खबर न्यूज क्लिक। Thank you.